पाऊंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा नेपाल के बारे में जानेंगे। आपको अगर कुछ पता है तो आप प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी माधव, वहां की राष्ट्रीय गेम फुटबॉल है और वहां की राष्ट्रीय जगह काठमांडू है, लेकिन वहां की सरकार ने सोचा है कि हम दान गुराई को वहां की राष्ट्रीय बनाते, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। वेरी गुड। हाँ जी नितिन। मैम नेपाल एक ऐसी कंट्री है मैम जिधर बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। सिद्धार्थ। हाँ जी मैम, नेपाल अभी तक फ्री है, उसको उस पर किसी का किसी ने हाँ बोलो राष्ट्रीय किया। हाँ जी, नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट है जो पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। वेरी गुड। अदिशी, नेपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें देख सकते हैं। वहाँ पे स्टेप फार्मिंग होती है जिसको हम सीढ़ीनुमा खेती भी कहते हैं, उससे हमारा जो सॉइल होता है वो बहुत ही प्रिवेंटेड रहता है। और भी अच्छी जगह है वहाँ पे, जैसे अर्थक्वेक आया था अभी 2015 या 2016 में, तो उससे बहुत लॉस हुआ था, बट उसके बाद अभी भी नेपाल ने बहुत अच्छा अपने आप को बिल्डअप किया है और आई लाइक इट, बहुत अच्छी कंट्री है। ओके, और मैं आपको बता रही हूँ दैट इज द हैप्पीएस्ट कंट्री, सबसे खुश हैप्पी कंट्री वो है, और पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है जिसका फ्लैग क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ट्रायंगल है। ठीक है। ओके, अब मैं आपको नेपाली भाषा बोलना सिखा रही हूँ। ये अदिशी इंग्लिश में बोलेगी और मैं नेपाली में बोलूंगी। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। व्हाट इज योर नेम? तपाई को नाम के हो? तपाई को नाम के हो? माय नेम इज लक्ष्मी। मेरो नाम लक्ष्मी हो? मेरो नाम लक्ष्मी हो। हाउ आर यू? तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? तपाई कस्तो हुनुहुन्छ? आई एम फाइन। म सञ्चित छु। म सञ्चित छु। अब फॉर्चुनेटली हमारी क्लास में एक नेपाली बच्चा भी है, आ जाओ माधव। हाँ जी, अब तुम इंग्लिश में बोलोगे और ये नेपाली में बोलेगा। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। व्हाट इज योर नेम? सपाई को नाम के छ। सपाई को नाम के छ। माय नेम इज लक्ष्मी। मेरा नाम लक्ष्मी हो? मेरा नाम लक्ष्मी हो। थैंक यू। आपको थोड़ी तो